नमस्कार, मैं हूं उज्ज्वल गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ताजी ताजी खबरें। आप लोगों का प्यार हमें लगातार मिल रहा है और आप ही के बीच में से हम बहुत ही सरल सरल जो आपके दिल की बात होती हैं उन्हीं को सवाल बना के हम सर के सामने एक अच्छे जवाब की उम्मीद करते हैं और इसीलिए सर को बार बार आमंत्रण हम देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो आप लोगों की बहुत मांग की जा रही थी और जैसे कि सर खुद भी हैं, प्रभावी व्यक्तित्व कैसे पाएं, तो इसे मुद्दे पर, इसी विषय पर, इसको कैसे पाया जाए, इसका मूल मंत्र हम जानने के लिए सर के पास आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। उज्ज्वल जी, सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का ताजी ताजी खबरें का धन्यवाद करना चाहता हूं, दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और प्रभावी व्यक्तित्व जैसे विषय पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभावी व्यक्तित्व बनने के लिए सबसे पहले हमें सकारात्मक होना चाहिए, जो हमें बचपन से ही हमारे माता पिता द्वारा सिखाया जाता है। जो लोग सकारात्मक होते हैं वे कभी भी नकारात्मक शक्तियों को अपने पास नहीं आने देते और वे सकारात्मक शक्ति सदैव प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में प्रभावी ड्रेसअप, प्रभावी स्वास्थ्य, प्रभावी एजुकेशन, प्रभावी खान पीन, प्रभावी व्यवहार, प्रभावी भाषण, प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ा देता है जी। हम एक नहीं, इतिहास के पन्नों से अनेकों प्रभावी व्यक्तित्व के उदाहरण उठा सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह जी और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग MBA में, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में, बहुत सारे लोग IAS में, बहुत सारे लोग PCS में, IPS में, रिसर्च करने में, मीडिया की लाइन में अपनी अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। हम सब भी रखते हैं, जब ही इस देश के 130 करोड़ भारतीयों की सेवा का निर्णय प्रभावी व्यक्तित्व के कारण ही बना पाए हैं जी। सर, जानकारी में आप इतने पुख्ता भी ना हों, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व प्रभाव डालने वाला है तो क्या ये ज़्यादा लोगों को उनके हक में उनकी बात मानने को मजबूर करता है? बिल्कुल, यदि आप अच्छे से बात रखते हैं जी, संक्षिप्त में रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं जी, अच्छी ड्रेसअप रखते हैं, दूसरे के साथ तालमेल मिला के बात करते हैं, तो प्रभावी व्यक्तित्व बनता ही बनता है जी। इसमें कोई जबरदस्ती करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी तक, लेकिन यदि जोर जबरदस्ती की ज़रूरत पड़ती भी है जी, तो हमारा व्यक्तित्व जोर जबरदस्ती करने के लायक बन जाता है जी, और दूसरे लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जोर जबरदस्ती करने के लिए व्यक्तित्व के रूप में खड़े हो जाते हैं जी। तो सर, इसको पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए, उस लेवल पर पहुंचने के लिए अपनी क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में सभी को बता दीजिए। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमें जैसे मेडिटेशन करना चाहिए जी, बड़ों से हमें नमस्ते करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, कॉलेज और स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ना चाहिए जी। जो लोग हमारे जीवन में आदर्श छोड़ के गए हैं, उनके
जीवन की कहानी पढ़नी चाहिए और कम खाते हुए टू द पॉइंट बात करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। सर अभी यूपीएससी और बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम अब शुरुआत होने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण बच्चों में दिक्कत आती है वो आती है आई कॉन्टैक्ट की। वो रिटन क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छे उनके नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट इंटरव्यू की तो वो कहीं ना कहीं आई कॉन्टैक्ट और वो कॉन्फिडेंस से नहीं उसको क्लियर कर पाते और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई कॉन्टैक्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी छात्र के अंदर या किसी भी महिला के अंदर सकारात्मक शक्ति काम करने लगती है तो वो हर बात को, हर सेंटेंस को, हर शब्द को ध्यान से सुन के उसका संक्षिप्त में जवाब देते हैं और दूसरा आदमी उनके जवाब से ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होता है। इसलिए मेडिटेशन का महत्व, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। जी सर, ग्रामीण बच्चे आत्मविश्वासी कैसे बने इंटरव्यू के वक्त? बच्चे शहरी हों, छात्र शहरी हों या ग्रामीण क्षेत्र से रखते हों ताल्लुक, या पहाड़ी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं या गरीब हैं, उन सब के लिए एक ही नियम लागू होता है कि अपने पाठ्यक्रम को स्वस्थ शरीर के साथ मजबूताई से समय से पूरा करने में अग्रिमता बनाए रखें। जी यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उनके लिए। मैं समझता हूँ कि प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपकी शिक्षा, आप शिक्षित होने चाहिए, आपको उस हर चीज़ के बारे में बारीकी से पता होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर बिना किसी बनावट के आप खुद, आपका जो पूरी पर्सनैलिटी है वो एक सामने वाले पर प्रभाव डालेगी। बिल्कुल ये बात सही है, छात्र हो, नेता हो, महिलाएं हो, स्टाफ हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कपड़े पहनने से लेके, चलने से लेके, काम करने के तरीके से लेके, आई कॉन्टैक्ट बनाने से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके बहुत सारी चीज़ों में सीधा सीधा संपर्क रखती है जी। और जिसको हम किसी कोर्स के माध्यम से, किसी स्पेशलिस्ट के माध्यम से, किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से डेवलप करने में 100% सफल भी होते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि अब तक आपको बहुत कुछ जानने के बारे में मिला होगा कि जीवन में प्रभाववित कैसे बने। तो सर मैं सभी आपका एक आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर चाहूँगा। मैं सबके लिए बधाई करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वे सब काम कर सकते हैं जो हमारे देश के महान लोगों ने बताए, जैसे योगा, ड्रेसअप रहना, कम खाना, एक्सरसाइज करना, नियम कानूनों का पालन करना, देश के शहीदों से प्रेरणा लेना, इतिहासकारों का सम्मान करना, समाज सेवियों के साथ मिलकर काम करना आदि आदि आदि। जी तो सर कहीं ना कहीं संतुलन तो चाहिए, आपको अगर अचीव करनी है वो चीज़ तो संतुलन तो चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए संतुलन तो चाहिए। जी तो पंक्चुअलिटी के बिना आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है ये भी कि पंक्चुअलिटी तो स्वामी बन जाएगी, जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे तो पंक्चुअलिटी तो स्वामी ही बन जाती है। जी तो मैं समझता हूँ कि पंक्चुअल होने की ज़रूरत है और आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। थोड़ा योगा अपने जीवन में लेके आएँ, थोड़ा मेडिटेशन लेके आएँ, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको इंटरव्यू में सही आत्मविश्वास मिलेगा, आपको आई कॉन्टैक्ट करने का भरोसा भी अपने दिल से निकल कर आएगा, लेकिन संतुलन जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर उन्होंने हमें इतनी अच्छी और प्यारी जानकारी दी है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी पुनः, और सभी को पुनः बधाई, और ऐसे टॉपिक लाते रहिएगा, हमें बुलाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
नमस्कार, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।